कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जवाहरनगर थाने में तैनात महिला एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और दो दलालों को भी हिरासत में लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए एसीबी अधिकारी ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने योजना के अनुसार एएसआई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया और मामले में दो दलाली कर रहे लोगों को भी हिरासत में लिया। आरोपी एएसआई ने केस बंद करने की एवज में 1,00,000 रुपए की मांग की, जिसमें से परिवादी ने 20,000 रुपए उसे पहले ही दे दिए और फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। कोटा की एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले में दो दलाल भी सम्मिलित थे। पुलिस ने उन दोनों दलालों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कड़ाई से शुरू कर दी है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वन संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजेंद्र, क्या था ये पूरा मामला और कितने लोग इसमें शामिल थे? जो कि बताना चाहूंगा, एसीबी को एक परिवाद दिया था, परिवाद मुकेश अरोड़ा ने दिया था जो फरियादी था जी। इसने कहा इसका जो पूरा मामला था, इसका तलाशशुदा बीवी थी जिसने कुछ जमीन के मामले में कुछ केस कर रखा था, जिसकी जो जांच थी एसआई सुगना के पास, फिर सुगना इस एवज में से 1,00,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रही थी। इसमें जब 20,000 रुपए तो दो दिन पहले ले लिए थे और 30,000 रुपए लेते हुए आज दलालों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें दो दलाल भी है, आकाश और रमेश करके दो दलाल है जिनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है और निजी अस्पताल के बाहर ये रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेते ही जैसे फरियादी मुकेश अरोड़ा ने इशारा किया, एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों दलालों को पकड़ लिया। उसके बाद में इनको विज्ञान नगर थाने ले जाया गया और विज्ञान नगर थाने ले जाकर इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर सुगना एएसआई और आकाश और रमेश को गिरफ्तार कर एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है जी। राजेंद्र, इस पूरे मामले में क्या अब महिला एएसआई को निलंबित किया जाएगा? ज्योति, जिस तरह की कार्रवाई होती है, एसीबी अपना जाल बिछाती है तो इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है जी। उस प्रोसीजर के तहत एसीबी अपना पूरा ये करेगी और उसके बाद में कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद में एक लंबे समय तक केस चलता है जिसमें आगे की तो बात फिर बाद में पता चल पाएगी कि किस तरह से ये निलंबित होगी या नहीं होगी। मगर अभी सुगना जो एएसआई है उसके ऊपर कार्रवाई जीत कर रही है एसीबी और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए एसीबी की बड़ी मुहिम है। कहीं ना कहीं रिश्वतखोर जो पुलिस कर्मी है उनको भी इससे सबक मिलेगा और एक महिला अफसर होने के बाद में भी इस तरह के रिश्वत का पूरा जाल बिछाना और इतनी बड़ी रिश्वत की मांग करना एक बड़ा सवाल उठाता है ज्योति। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।